बिहार एक पहला राज्य बनकर के आया जिसका खुद का साइंटिफिक डेटा जो है किसी राज्य के पास नहीं है, बल्कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके पास खुद की आबादी की पूरी जानकारी है। और आंकड़ों में भी ये स्पष्ट हो गया है कि हर जाति में जो है गरीबी है, चाहे ओबीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या आपके स्वर्ण जाति के लोग हैं, उसमें भी जो है गरीबी पाई गई है। भारत सरकार जो है, जो आरक्षण की सीमाएं हम लोगों ने बढ़ाई है, उसको शेड्यूल 9 में जो है रखा जाए। और इससे पहले भी एक राज्य जो है तमिलनाडु, उनका भी जो है पहले से 69% था, उसको भी शेड्यूल 9 में रखा गया है। और आपके दल के लोगों का तो कहना है कि और भी बढ़ा दे सरकार तो उसमें भी साथ देंगे। तो कम से कम बिना सोचे और विलंब जो है इसको शेड्यूल 9 में रखा जाए। चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि नहीं बोले थे कि बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देंगे, किस बेस पे बोले थे? क्या नहीं, पैकेज विशेष राज्य का दर्जे के बारे में बात की, चलिए विशेष पैकेज ही दे दें। हम लोगों को विशेष सहायता और विशेष राज्य का दर्जा इसलिए चाहिए, उसका फायदा नंबर 1 कि जितनी भी योजनाएं होती हैं उसमें 90-10 का अनुपात होता है। आप हमें 90-10 का अनुपात दे दीजिए, सीधी बात है। और आप सोचिए कि 2/3 पैसा राज्य का लगेगा, वो 1/3 देके कहेंगे कि मेरी योजना है, इससे बड़ा अन्याय क्या होता है, वित्तीय अन्याय। 2024 लोकसभा चुनाव बेहद ही नज़दीक है, ऐसे में एक बार फिर से बिहार में विशेष राज्य की दर्जे की मांग होने लगी है। कल ही कैबिनेट से विशेष राज्य दर्जे की मांग को लेकर के पेश किया गया और कहा गया कि अब इसके तहत जो है मुहिम छेड़ा जाएगा और केंद्र सरकार से मांग की जाएगी कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले। वहीं पे जो है बात करें, जिस तरह से इन दिनों जाति आधारित गणना हुई, उसके बाद आरक्षण का दायरा जिस तरह से बढ़ाया गया, अब उसको लेकर के भी 9वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से भी आग्रह किया गया। आज इसको लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित कई मंत्री मौजूद थे और वहाँ पे फिर से इस बात को दोहराया और कहा है कि जिस तरह से जो है 75% आरक्षण का दायरा बिहार सरकार ने बढ़ाया है, तो अब इसे केंद्र सरकार जो है 9वीं अनुसूची में शामिल करे। वहीं विशेष राज्य की दर्जा की भी बात की है और कहा है कि विशेष राज्य की दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सबसे पहले आप वो सुने। जी, अपनी बात को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, बिहार ने हमेशा देश को दिशा दिशा दिखाने का काम किया है और हम लोगों की शुरू से ही मांग रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की, हम सब लोगों की रही थी कि देश भर में जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम सब लोग, सभी दल के लोग जो हैं प्रधानमंत्री जी से मिले, लेकिन वहाँ से कुछ हुआ नहीं। तो तय यही किया गया था कि हम लोग अपने बलबूते राज्य सरकार जो है कराएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया जाता है कि एक ऐतिहासिक दिन जो 2 अक्टूबर का रहा, जो बापू का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं, उस दिन जाति आधारित गणना का, जाति की क्या स्थिति है, वो जो है सरकार द्वारा पेश किया गया। और जब विधानसभा का सत्र पिछला चल रहा था तो पूरा रिपोर्ट जो है आप लोगों के समक्ष जो है रखा गया। उसमें शैक्षणिक भी है, आर्थिक स्थिति भी है, सामाजिक स्थिति भी है। और बिहार एक पहला राज्य बनकर के आया जिसका खुद का साइंटिफिक डेटा जो है किसी राज्य के पास नहीं है, बल्कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके पास खुद की आबादी की पूरी जानकारी है। और आज के दिनों में साइंटिफिक डेटा होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम चिन्हित कर पाएँ, पहचान कर पाएँ कि कौन लोग हैं जो अंतिम पैदान पर खड़ा परिवार है, कौन समाज के है। तो ये डेटा आप लोगों के सामने आ ही गया था, जिसमें कि लगभग जो है आप देखिएगा कि इसमें स्थिति जो है सारी स्पष्ट कर दी गई है। तो हम आंकड़ों में ज़्यादा जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन जब पेश किया गया तो हम लोगों का, सरकार की यही सोच थी कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट, अगला हम क्या करेंगे।
तो हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि ये जो महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, ये गरीबों की सरकार है और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाली सरकार है। और देश में अगर सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो बेरोज़गारी और गरीबी है। और हर एक सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि बेरोज़गारी और गरीबी से हम लोग लड़ें। अब जब आंकड़े जब सामने आ गए हैं और हम लोगों का मानना और आंकड़ों में भी ये स्पष्ट हो गया है कि हर जाति में जो है गरीबी, चाहे ओबीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या आपके स्वर्ण जाति के लोग हैं, उसमें भी जो है गरीबी पाई गई है। अब हम लोगों ने तय यही किया और इसमें सर्वसम्मति से सब लोग ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब प्रस्ताव रखा हाउस में तो सब लोग तैयार हो गए कि बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो सब लोग बोले कि भाई बढ़ाइए तो 90 कर दीजिए, 100 कर दीजिए, ये बातें आई थी हाउस में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही निर्णय लिया कि भाई जो आरक्षण जो है उसको जो है बढ़ाया जाएगा, जिस हिसाब का हमको रिपोर्ट आया है, उसमें एससी एसटी का भी बढ़ाया गया, उसमें पिछड़ों का भी बढ़ाया गया, एबीसी का भी बढ़ाया गया। और क्योंकि ईडब्ल्यूएस पहले से ही सामान्य वर्ग के लिए 10% जो तय था वो तो हो ही गया, तो 50% से लगभग 65% जो है कर दिया गया, प्लस जो 10% जो, तो 75% हम लोग जो है लगभग पहुंच गए। अब हम लोगों को क्या करना है, कल्याणकारी योजनाएं हम लोग लाएं। अब हम लोगों को पता है कि कौन भूमिहीन है, ज़मीन नहीं है जिसके पास, तो उनके सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी पेशकश की कि उनको भूमि खरीदने के लिए हम लोग जो है 1,00,000 रुपये की सहायता जो है करेंगे, 60,000 से 1,00,000 तक पहुँचा देंगे। अब जिसका झोपड़ी है, घर नहीं बन रहा, उसको भी 1,20,000 हम लोग जो है देंगे। दूसरी ये बात, तीसरी ये थी कि भाई अब जिनके परिवार जो 94,00,000 जो गरीब परिवार है जिसके पास रोज़गार नहीं, नौकरी नहीं, उनको नौकरी के लिए विशेष सहायता के लिए 2,00,000 रुपये की सहयोग हम लोग करेंगे। तो दो बातें आगे, हम लोग ये चाहते हैं कि जब सर्वसम्मति से जब किसी ने विरोध नहीं किया और सबको इच्छा है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए, तो कैबिनेट ने ये निर्णय लिया कल माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कि भाई कोई पेच ना फंसे। जिस हिसाब से जब हम लोग जातीय आधारित गन्ना करा रहे थे, कई पेच आए सामने, इतने आसानी से नहीं हुआ, काफ़ी दिन विलंब रहा, लोगों को लाभ पहुंचाने में हम लोगों को दिक्कत हुआ, रिपोर्ट पेश करने में दिक्कत हुआ। तो ये जब आरक्षण की सीमा अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो कोई पेच जो है किसी भी प्रकार का फंसना नहीं चाहिए। और माननीय वित्त मंत्री जी ने उदाहरण भी बताया, कई ऐसे मामले हैं जिनको शेड्यूल 9 में जो है वो किया गया, रखा गया है। तो हम लोगों ने यही रिकमेंड किया है कि भारत सरकार जो है जो आरक्षण की सीमाएं हम लोगों ने बढ़ाई है उसको शेड्यूल 9 में जो है रखा जाए। और इससे पहले भी एक राज्य जो है तमिलनाडु, उनका भी जो है पहले से 69% था, उसको भी शेड्यूल 9 में रखा गया है। तो हम लोग तो यही अब इंतज़ार में हैं कि अविलंब भारत सरकार ना सोचे ना समझे, क्योंकि आपके दल के सभी लोगों ने यहाँ सहमति जताई है और आपके दल के लोगों का तो कहना है कि और भी बढ़ा दे सरकार तो उसमें भी साथ देंगे। तो कम से कम बिना सोचे और विलंब जो है इसको शेड्यूल 9 में रखा जाए। और दूसरी बात, जहां 2,50,000 करोड़ जैसे वित्त मंत्री अवधारणा को ही अमान्य कर दिया है, इसके अलावा रघुराम राजन की कमेटी जो कि यूपीए सरकार के समय में बनी थी, उसने ये सब जानते हुए भी यदि इस तरह की मांग की गई, फिर से कैबिनेट से पास किया गया, तो ये एक राजनीतिक स्टंट है मरे हुए घोड़े पर चालू चलाने की तरह।
एक बात समझने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि नहीं की थी? चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि नहीं बोले थे कि बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देंगे? किस बेस पे बोले थे? क्या नहीं पैकेज विशेष राज्य का दर्जे के बारे में बात की? चलिए विशेष पैकेज ही दे दें तो इसमें कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ दे रहे हैं? नहीं इसमें इसमें जो उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है हम उसमें सिर्फ एक बात जोड़ना चाहते हैं, जो इन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है। और सोचना यह है कि विशेष राज्य का दर्जा हम लोग जो मांगते हैं इसके पीछे तर्क या इससे क्या फ़ायदा होता है? हमको तो वो फ़ायदा चाहिए जैसा कि इन्होंने कहा। और अगर विशेष राज्य के दर्जे की स्थिति या वो प्रावधान खत्म हो गया है तो नीति आयोग जो है उसके मैंडेट में विशेष सहायता का प्रावधान है। नीति आयोग का मैंडेट देख लीजिए, हम लोगों को विशेष सहायता और विशेष राज्य का दर्जा इसलिए चाहिए उसका फायदा नंबर एक कि जितनी भी योजनाएं होती हैं उसमें 90-10 का अनुपात होता है। आप हमें 90-10 का अनुपात दे दीजिए, सीधी बात है। और अभी हो क्या रहा है कि जिसमें 90-10 पहले से आ रहा था, जिसमें 100% केंद्र सरकार की योजना होती थी उस सब को पहले 75-25 किया गया, अब 60-40 किया गया और अब 50-50 कर दिया जा रहा है। और आपको सुन के न सिर्फ आश्चर्य होगा बल्कि दुख होगा बिहारी होने के नाते कि अभी जो उप मुख्यमंत्री जी के विभाग की ही योजना है नगर विकास की, अमृत जिसको वो लोग वन कहते हैं, जो इन्हीं लोग के समय में इन्हीं लोगों ने शुरू किया था, 2:1 का रेशियो था, मतलब 66% वो देते थे और 33% हम लोग लगाते थे। और उसको इस बार से पिछले साल से उन्होंने बिल्कुल पलट दिया, अब केंद्र की तरफ से 1:2 का रेशियो होगा। और वर्तमान समय में इसकी वर्तमान प्रासंगिकता आपको बताते हैं कि उस मद में केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपए दिए। अगर पीछे की तरह की योजना चलती तो हमको सिर्फ 200 करोड़ अपना लगा के वो 600 करोड़ की योजना करते, अब जो उन्होंने 400 करोड़ दिया है तब हमको 800 करोड़ देना पड़ेगा। इसमें कैच क्या है या हम लोगों को क्या परेशानी होती है राज्यों की, इसको आप लोगों को तो कम से कम स्पष्टता से समझना चाहिए कि योजना उनकी उनका नाम होता है, योजना का नाम उनका है, काम उनका गिनाएंगे उपलब्धि हमारी। और आप सोचिए कि 2/3 पैसा राज्य का लगेगा, वो 1/3 देके कहेंगे कि मेरी योजना है, इससे बड़ा अन्याय क्या होता है, वित्तीय अन्याय। तो आपने साफ तौर पर सुना उनका कहना है कि देखिए जिस तरह से बिहार पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, तो इसे जो है विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या इंडिया गठबंधन जो है इसको अपने एजेंडा में रखेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो उन्होंने कहा है कि देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव हम लगातार मांग तो कर ही रहे हैं, 24 का जब लोकसभा चुनाव होगा उस समय भी मांग करेंगे, लेकिन जो है वो घुमाते हुए नजर आए। और लेकिन उन्हें कहा गया कि अगर वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो इस पे क्या कहेंगे, वो जो है इस पे चुप्पी साधते हुए नजर आए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।